Hello friends, and very warm welcome to Chicky's Biology, another video. In this video, today we will discuss about after 1 year experience, pharma salary में कितना percent increment होता है या मिलता है. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पर बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें. और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को वहां पे प्रेस कर दें. फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे फॉलोअर्स का, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का, बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे पिछले कई दिन से आ रहा था. तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी भी फार्मा कंपनी को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट ज्वाइन किया था और अब आप लोगों का 1 ईयर वहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आपको ये नहीं पता है कि कितना परसेंट सैलरी में अब इंक्रीमेंट मिलने वाला है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए और ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अब आपको वहाँ पे 10-20% के बीच में इंक्रीमेंट मिलने वाला है. और जो कैंडिडेट अभी अपना कोई भी बैचलर कोर्स कर रहे हैं और आगे उनकी ये प्लानिंग है कि वो फार्मा कंपनी में जॉब करेंगे, बट उनको ये नहीं पता है कि आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस वहाँ पे कितना परसेंट सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, उन कैंडिडेट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल गया होगा कि आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस उनको वहाँ पे 10-20% का इंक्रीमेंट मिलेगा अगर वो फार्मा जॉब करेंगे. और फ्रेंड्स, ये एक स्टैंडर्ड है, बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ जो हैं इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं कि आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस अपने कैंडिडेट्स को 10-20% का इंक्रीमेंट सैलरी में देती हैं. ये उनकी पॉलिसी में होता है, उनकी गाइडलाइंस में होता है और उनके जो वहाँ पे रूल और रेगुलेशंस होते हैं या जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें भी ये मेंशन वहाँ पे रहता है. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. थैंक यू फ्रेंड्स.